हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम आपको एक्सचेंजी यूएसडी और नेचुरल गैस फ्यूचर्स के इंटरडे टारगेट्स मार्क करके देते हैं। तो आज के जो हमने आपको लेवल्स दिए थे, एक बार इनको डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम कल के लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास दो डिसेसिव लेवल्स थे। हमने कहा था जो भी लेवल ब्रेक होगा उसे का हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। यहाँ से देख सकते हैं लोअर लेवल ब्रेक हुआ और हमारे को फर्स्ट टारगेट हिट करता हुआ यहाँ पर नजर आया। उसके मार्केट यहाँ पे इससे नीचे आई ही नहीं, मार्केट ने यहाँ से बाई साइड की एंट्री ली। मार्केट ने बाई साइड की एंट्री लेने के बाद यहाँ से फर्स्ट टारगेट हिट किया और सेकेंड टारगेट अभी पिछली ही कैंडल में मार्केट ने हिट किया है। तो यहाँ से मार्केट ने हमारे सारे अपसाइड के ट्रेड्स मार्क कर लिए, हिट कर लिए हैं और सेल साइड का एक टारगेट एक्टिवेट हुआ जो कि मार्केट ने हिट भी किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या मूवमेंट आ सकता है। एक बार डे के चार्ट पे चलते हैं और डे के चार्ट पे देखिए मार्केट काफ़ी ही ऊपर आ रखी है यहाँ पर और 2.527 तक का हमें ऑलमोस्ट ट्रेड दे सकती है। तो लेकिन ये 2.527 का जो ट्रेड है यहाँ तक का, उसको हम एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला है। तो ये हमें थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब हमें एक ओवरव्यू मिल गया है। अब हम चलते हैं वापस से आवरली चार्ट पर और ये जो गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है, इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। एक तो हमें यहाँ से मिलेगा पिवट्स आवरली चार्ट पर, एक तो यहाँ पर R1 है जो कि हमें डिस्टर्ब कर सकता है, तो हमें R1 यहाँ पे मार्क करना है। इसके साथ 15 मिनट्स के चार्ट पर चलेंगे। 15 मिनट्स के चार्ट पर यहाँ पे हमें R3 बीच में देखने को मिल रहा है, इसको हम मार्क कर लेंगे। अब हम वापस चलते हैं आवरली चार्ट पे, पिवट्स ऑफ करेंगे। हमारे पास अब डिसेसिव लेवल्स हमें मार्क करने हैं। सबसे पहले डिसेसिव लेवल के लिए ये जो हमने R2 मार्क किया था 15 मिनट्स के चार्ट पे, एक ये हमारा डिसेसिव लेवल रहेगा और सेल साइड के लिए 2.490 का हमारा डिसेसिव लेवल रहेगा। अपर लेवल ब्रेक होता है तो 2.528 फर्स्ट, 2.572 सेकंड टारगेट रह सकता है। लोअर लेवल ब्रेक होता है तो 2.462, 2.436 और 2.424 ये हमारे सेल साइड के टारगेट्स रह सकते हैं। तो इनको आप अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए। इसके साथ ही हम बात करेंगे नेचुरल गैस फ्यूचर्स की। तो नेचुरल गैस फ्यूचर्स पे हम शिफ्ट करते हैं और ओपन करेंगे हम यहाँ पर मे का फ्यूचर। और यहाँ पे देखिए बाई साइड का मोमेंटम बना था, बाई साइड की एंट्री बनते ही मार्केट ने हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड सारे टारगेट सेट करके दे दिए। यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती रही, यहाँ पे आकर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल के साथ हमें ओपनिंग दी 9 बजे के अराउंड। लेकिन देखिए ग्रीन कैंडल के साथ, लो वॉल्यूम ग्रीन कैंडल, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट लिया। यहाँ से हमारा जो अपर लेवल था डिसेसिव लेवल, उसको ब्रेक नहीं कर पाई, वापस नीचे गिरी। और यहाँ पर देखिए मार्केट ने कहाँ पर सपोर्ट लिया, ये जो हमारा पुराना आज का लो क्रिएट हुआ था, यहाँ पर देखिए ये मार्केट ने आज ओपनिंग के टाइम पे लो क्रिएट किया था, उसी के अराउंड मार्केट ने सपोर्ट लिया है। यानी कि आज के दिन में मार्केट ने एक हमें नया लेवल क्रिएट करके दिया। उसके मार्केट ने यहाँ से बाई साइड में एंट्री ली, यहाँ पे बाई साइड एक्टिवेट किया और मार्केट ने अपनी सभी टारगेट्स अप साइड के हिट कर दिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से, किस बेसिस पे मार्केट हमें रिएक्ट करके दे सकती है। ग्रीन कैंडल बनी थी इसलिए हमने सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट नहीं किया, समझा यहाँ पे। और यहाँ पे मार्केट हमें सपोर्ट दे सकती थी क्योंकि आज के दिन का लो यहाँ पर बना हुआ था। अब हम मार्क करने सबसे पहले अपसाइड के लेवल्स, जैसे हमें डे के चार्ट पे स्विच करना पड़ेगा। डे के चार्ट पे हमें यहाँ पे कोई लेवल नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ये हाई पॉइंट नजर आ रहा है, इसी को हम मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। और एक बार पिवट्स भी देख लेते हैं। डे के चार्ट पे पिवट R4 बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, पर फिर भी हम मार्क कर लेते हैं। आवली चार्ट पे पिवट्स जो है वो देख लेते हैं। आवली चार्ट पे पिवट हमारे पास R2 है, चलो उसको भी हम मार्क कर लेते हैं। और इसके अलावा जहाँ पर भी मार्केट है यहाँ पर R1 है, ठीक है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं और R3 और R4 को हम मार्क कर लेते हैं। अब पिवट्स ऑफ करेंगे, आवली चार्ट पे स्विच करते हैं। अभी हमें यहाँ पर डिसेसिव लेवल्स को फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमें मार्किंग करनी है। डिसेसिव लेवल के लिए अपसाइड के लिए 197.6 रहेगा, लोअर लेवल के लिए 196.1 रहेगा। अपर लेवल अगर ब्रेक होता है तो 200.1 फर्स्ट, 202.3, 203.2 और 204.6 ये हमारे बाई साइड के टारगेट्स रह सकते हैं। लोअर लेवल ब्रेक होता है तो 104.9, 191.2 ये हमारे सेल साइड के ट्रेड रहेंगे। इनको आप मार्क कर लीजिए चार्ट पर और हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, यहाँ से आपके टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग होगी और अगर दोनों ही चीज़ें स्ट्रांग होंगी तो आप एक परफेक्ट ट्रेड प्लान कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कीजिए। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।